डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री के चैप्टर वन के पार्ट वन के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। दिस सिविलाइजेशन वॉज फ्लोरिश्ड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। यह सभ्यता भारत के उत्तर पश्चिम भाग में फली फूली इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान है। दिस सिविलाइजेशन इज डेटेड बिटवीन सी 2600 BCE एंड 1900 BCE। यह सभ्यता लगभग 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक फली फूली थी। मेन सेंटर्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन वर, इस सभ्यता के जो मुख्य केंद्र थे उनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौहंदड़ो, बनावली, लोथल, धोलावीरा और कालीबंगा प्रमुख हैं। आर्टिफैक्ट्स फाउंड इन एग्जाविशन आर द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ दिस सिविलाइजेशन। जो खुदाई के दौरान प्राचीन वस्तुएं मिली हैं वो इस सभ्यता के जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। दीज आर्टिफैक्ट्स इंक्लूड हाउसेज ऑफ पीपल, पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, सील्स एक्सेट्रा। इन प्राचीन वस्तुओं में लोगों के घर, बर्तन, आभूषण, औजार और मोहरे शामिल हैं। लेट अस सी व्हाट वी नो अबाउट इट एंड हाउ वी नो अबाउट इट। आओ देखिए कि हम इसके बारे में क्या जानते हैं और कैसे जानते हैं। बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, इस सभ्यता की शुरुआत। इन दिस रीजन देर वर मैनी अदर कल्चर्स बिफोर मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन। इस सभ्यता में जो विकसित हड़प्पा सभ्यता थी उससे भी पहले कई संस्कृतियाँ विकसित थी। दीज कल्चर्स वर एसोसिएटेड विद पोट्री, एग्रीकल्चर, एनिमल रेयरिंग एंड क्राफ्ट। ये जो संस्कृतियाँ थी ये बर्तन, कृषि और पशुपालन और क्राफ्ट के कार्यों से जुड़ी हुई थी। सेटलमेंट्स इन दिस कल्चर्स वर जनरली स्मॉल। इन संस्कृतियों में जो बस्तियाँ थी वो आमतौर पर छोटी थी। नो लार्ज बिल्डिंग्स वर वाज फाउंड देयर। वहाँ पर कोई बड़ी इमारत नहीं मिली है। सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज, निर्वाह के तरीके। द हड़प्पन एट डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फिश। हड़प्पा सभ्यता के लोग विभिन्न पौधों और पशुओं के उत्पाद खाते थे जिसमें मछलियाँ भी शामिल थी। मैनी चार्ड ग्रीन्स एंड सीड्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स ऑफ द सिविलाइजेशन। बहुत से जले हुए अनाज के दाने और बीज इस सभ्यता के बहुत से स्थानों से मिले हैं। ग्रेन्स सच एज वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी एंड सीसम्स आर फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स। कुछ अनाज जैसे कि गेहूं, ज्वार, दालें, सफेद चना और तिल, ये बहुत से स्थानों से मिले हैं। फाइंड्स ऑफ राइस आर रेयर, लेकिन चावल कहीं कहीं पर मिला है। बोन्स ऑफ सम वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स है आल्सो बीन फाउंड। कुछ जंगली और पालतू पशुओं की हड्डियाँ मिली हैं। बोन्स ऑफ फिश एंड स्मॉल बर्ड्स है आल्सो बीन फाउंड। कुछ मछलियों की और छोटे पक्षियों की हड्डियाँ भी मिली हैं। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, कृषि तकनीक। फाइंड्स ऑफ ग्रेन्स इंडिकेट दैट पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। जो अनाज के दाने मिले हैं उससे ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती करते थे। पिक्चर ऑफ बुल्स ऑन सील्स एंड टेराकोटा स्कल्पचर्स। मोहरों पर बैल के चित्र और मिट्टी की बैल की मूर्तियाँ इंडिकेट दैट बुल वॉज नोन। ये बताती हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को बैल की जानकारी थी। आर्कियोलॉजिस्ट एक्सप्लोरेट दैट ऑक्सन वर यूज फॉर प्लोइंग। जो पुरातत्वविद हैं वो ये बताते हैं कि खेती में बैलों का प्रयोग किया जाता था। टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लो हैव बीन फाउंड फ्रॉम चोलिस्तान एंड बनावली। जो हल्के मिट्टी के नमूने भी मिले हैं जो चोलिस्तान और हरियाणा के बनावली नामक स्थलों से मिले हैं।
ए प्लॉट फील्ड आल्सो फाउंड एट कालीबंगन राजस्थान। कालीबंगन के राजस्थान से एक जुता हुआ खेत भी मिला है। सम टूल्स यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर है आल्सो बीन आइडेंटिफाइड। कुछ औजार जो खेती में काम आते हैं उनकी भी पहचान हुई है। टेरेसेज ऑफ कैनल्स हैव बीन फाउंड एट हड़प्पन साइट ऑफ सरतुगी इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के सरतुगी में जो हड़प्पा का ही एक स्थल है वहाँ पर नहरों के अवशेष मिले हैं। वाटर रिजर्वर्स फाउंड इन धोलावीरा गुजरात मे हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोर वाटर फॉर इरीगेशन। गुजरात के धोलावीरा में कुछ जल भंडार करने के जो है जलाशय मिले हैं या टैंक मिले हैं जिनसे ये माना जाता है कि उनमें जो पानी स्टोर किया जाता था वो खेती के काम आता था, सिंचाई के काम आता था। मोहनजोदड़ो ए प्लान अर्बन सेंटर। मोहनजोदड़ो एक सुनियोजित शहरी केंद्र। मोहनजोदड़ो इज ए वेल नोन साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक जाना माना स्थल है। दिस वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन। यह इस सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण भाग है या स्थल है। इट वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। यह दो भागों में विभाजित था। वन स्मॉलर बट हायर। एक भाग छोटा लेकिन उच्च स्थान पर बना हुआ था कार्ल स्टैडल जिसको दुर्ग कहा जाता था। अदर मच लार्जर बट लोअर। दूसरा बड़ा भाग था लेकिन वो नीचे स्थान पर था कार्ड लोअर टाउन उसको निचला शहर कहा जाता था। सिटाडेल वाज वॉल्ड टू सेपरेट इट फ्रॉम द लोअर टाउन। सिटाडेल के चारों तरफ एक दीवार बनाई गई थी जो उसको निचले शहर से अलग करती थी। सन ड्राइड और बेक्ड ब्रिक्स ऑफ स्टैंडर्ड रेसो। धूप में सूखी हुई या आग में पकी हुई एक समान अनुपात वाली ईंटें वर यूज्ड इन आल हड़प्पन सेटलमेंट्स। हड़प्पा की सभी बस्तियों में प्रयोग की जाती थी मकान बनाने के लिए। मकान बनाने के लिए समान अनुपात की धूप में सुखाई हुई या आग में पकाई हुई ईंटें हड़प्पा की सभी बस्तियों में पाई गई हैं। लेइंग आउट ड्रेन्स नाली की व्यवस्था नालियाँ बनाना। ड्रेन्स वर केयरफुली प्लान्ड। नालियों की व्यवस्था बड़ी सावधानी से की जाती थी। रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर लेड आउट अलोंग ऑन ए ग्रिड पैटर्न इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल। सड़कें और गलियां जो हैं एक ग्रिड प्रणाली पर बनाई जाती थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इट सीम्स दैट स्ट्रीट्स एंड ड्रेन्स वर लेड आउट फर्स्ट एंड देन हाउसेस बिल्ट अलोंग देम। ऐसा माना जाता है कि पहले गलियां और नालियां बनाई जाती थी उसके बाद घरों का निर्माण किया जाता था। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर घरेलू स्थापत्य कला या घर बनाने की स्थापत्य कला। देर वॉज ए कोर्ट यार्ड इन एवरी हाउस। प्रत्येक घर में एक आंगन होता था। देर वर रूम्स ऑन ईच साइड ऑफ कोर्ट यार्ड। आंगन के प्रत्येक तरफ चारों तरफ कमरे होते थे। कोर्ट यार्ड वॉज द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज सच एज कुकिंग एंड वीविंग। आंगन जो है खाना पकाने या कपड़ा बुनने जैसी गतिविधियों के काम आते थे। द हाउसेज वर ऑफ वन और टू स्टोरी। घर जो है एक या दो मंजिले होते थे। फॉर प्राइवेसी देर वर नो विंडो इन द वॉल्स ऑफ द ग्राउंड फ्लोर। एकांतपन के लिए एकांत के लिए जो है ग्राउंड फ्लोर की दीवारों में खिड़कियाँ नहीं होती थी। द मेन एंट्रेंस डज नॉट गिव डायरेक्ट व्यू ऑफ द इंटीरियर ऑफ द हाउस। जो मुख्य द्वार होता था उससे घर के अंदर नहीं देखा जा सकता था। एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम विद द ड्रेन कनेक्टेड टू द स्ट्रीट ड्रेन्स। प्रत्येक घर में एक स्नानागार होता था जिसकी नालियाँ गली की नालियों से कनेक्ट होती थी, जुड़ी होती थी। सम हाउसेज हैड द स्टेयरकेस टू रीच द सेकेंड स्टोरी और द रूफ। कुछ घरों में सीढ़ियाँ भी होती थी दूसरी मंजिल पर जाने के लिए या छत पर जाने के लिए। मैनी हाउसेज हैड वेल्स इन ए रूम दैट कुड बी रीच फ्रॉम द आउटसाइड एंड परहैप्स यूज्ड बाय पासर बाय। प्रत्येक घर में एक कुआ होता था और वह कुआ बाहर से उस कमरे में कुएं के कमरे में बाहर से भी जाया जा सकता था। शायद बाहर से गुजरने वाले लोग उसका प्रयोग करते थे। देर आर अबाउट 700 वेल्स इन द मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं थे।